बिफोर द कॉमेडी लेट मी गिव यू अ सटायर, जब गधा हंसने लगे तो आदमी बन जाता है, और आदमी अगर हंसना बंद कर दे तो, सो बिफोर दैट, बिफोर आई वॉज कमिंग ओवर हियर, देयर वॉज अ न्यूज रिपोर्ट, यू हैव नॉट लिसन टू इट, 10 तमिलियंस हैव बीन किल्ड. So when 10 Tamilians have been killed and this news was given to one gentleman who is named as Vappu, he was in a frown voice. Wo bahut dard mein aa gaya, bahut sehme mein aa gaya, sadme mein aa gaya. Now you know why sadme mein aa gaya? Because he was thinking how many millions are there in 10 Tamilians. So that's what the spirit of the society. Welcome to the verdict of 23rd. Ab now before coming over here, I think शायद बहुत से भूतपूर्व नौजवान से, मैं एक भूतपूर्व नौजवान हूं, जब भूतपूर्व नौजवानों को घर से आना पड़ता है और स्टैंड अप कॉमेडी करनी पड़ती है तो घर में भी इलेक्शन का माहौल है. सो माय वाइफ सेड टू मी, इफ यू कम ऑन टाइम आई विल वेलकम यू विद अ बीजेपी सिंबल, इफ यू कम अ लिटिल लेट आई विल वेलकम यू विद अ कांग्रेस सिंबल, एंड इफ यू कम मोर देन लेट एंड यू डोंट पिक अप द फोन आई विल वेलकम यू विद द आप सिंबल. एंड माय डियर, मेरे पतिदेव, इफ यू डोंट कम एट ऑल, डोंट पिक अप द फोन, देन आई विल वेलकम यू विद अ CPIM symbol. So this is the state of the affairs. अभी मोदी जी ने क्या दिया? भाषण दिया. और भाषण में क्या बोला? रेडार के बारे में बोला. और साध्वी ने भोपाल में बोला कि 3 साल की उम्र में उनने बाबरी मस्जिद का ध्वस्त कर दिया था. At the age of 3 years, साध्वी रिथम्बरा had demolished बाबरी मस्जिद. Then who said? At the age of one year, I was the first person who did the assassination. वो कौन था? हमारे अमित जी. पीछे यहाँ पे हमारे अमित सहबल जो आए, बोले when even I was not born, तो मैंने प्रज्ञा ठाकुर का अपोजिशन करना शुरू कर दिया था. इन द मिड्स ऑफ अपोजिशन, इन द मिड्स ऑफ मोबाइल, इन द मिड्स ऑफ रेडार, हम भूल ही गए कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है. मैंने भी वोट डाला तो वोट मैंने कांग्रेस को था, पता नहीं गया किसको. अब मैं बता नहीं पाऊंगा किसको गया है, क्योंकि यहां बोलना बहुत मुश्किल होगा. और अभी भी खबर आई है, ये बहुत सिंसियर खबर है, कि खबर यहां पे ये आई है कि अब जो बहुत जगह ईवीएम के भरोसे के कारण बहुत जगह कांग्रेस के ऊपर कांग्रेचुलेशन देने की भी बदनामी हो गया. देर इज नथिंग कॉल्ड कांग्रेचुलेशन एंड देर इज नॉट नथिंग कॉल्ड भाजपाकुलेशन बिकॉज देर इज अ रेसिज्म दैट हैज कम ओवर हियर. इन द मीन टाइम इट इज सेड कि विजय मल्या अभी इंडिया आने वाले हैं. एंड नाउ विजय मल्या इज व्हेन कमिंग टू इंडिया, सो एनीबडी हु इज वांटिंग टू बाय समथिंग फ्रॉम लंडन यू कैन कॉल विजय मल्या, बिकॉज विजय मल्या आपके लंडन से ला सकते हैं. बट माइंड इट, विजय मल्या कलकत्ता में लैंड कर लें, तो कलकत्ता में मैडम कहेंगी दीदी कि कलकत्ता डज नॉट हैव एक्सट्रेडिशन ट्रीटी विद इंडिया, कलकत्ता का इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो पीएम नहीं मानती इंडिया को. और इसके आगे अब यहां भी कहा जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, अगर मोदी है तो मुमकिन है. बिफोर वी आर सीइंग ओवर हियर कि ओल्डर इंडियंस वेर मैरिंग Americans. Why we were marrying Americans? Because we should get green card. But अब मुद्दा उल्टा हो गया है. Now young American men are marrying beautiful Indian women. You know why? To get Aadhaar card. मोदी है तो मुमकिन है. और अब आने वाले समय में यह भी चल रहा है कि मुलायम अब मायावती के पास बैठ रहा है. मोदी है तो मुमकिन है. और तो और अब आगे ये भी बात चल रही है कि राफेल का धमाका हो रहा है. अब वहां पे यूएस ओपन में राफेल के ऊपर अपोजिशन हो रहा है और अपोजिशन राफेल पे अपोजिशन कर रही है. और राफेल का डसॉल्ट सिस्टम इज नाउ कंफ्यूज, राफेल का डसॉल्ट सिस्टम इज नाउ कंफ्यूज बिकॉज हमारे राहुल जी ने इतने बयान बदले हैं, बिकॉज राफेल इज नाउ थिंकिंग कि इंडिया को पैसा देना है या इंडिया से पैसा लेना है. दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर दैट इज कमिंग. मैं पहले ही बोल चुका हूं जो हंस नहीं पा रहे हैं वो क्या बनने वाले हैं, और जो हंसना शुरू हो जाएंगे उनका क्या हाल होगा. अब तो हंसने लगे, ठीक है. अब यहां भी बात चल रही है कि एक बार फोन किया मैंने जोमैटो को और मैंने पूछा भाई आपके यहां पे कोई वेजिटेरियन है जो डिलीवरी बॉय है? बोले हाँ है. बोले क्यों, क्या काम है? बोले चिकन बिरयानी मंगवानी है. उसके बाद से पता लगा कि एप्पल का लोगो जो है कटा क्यों है. और इसी के साथ पता चल रहा है कि नाउ विद द सुप्रीम कोर्ट का जुडिशरी का जो हाल चल रहा है उसमें वन थिंग बड़े क्लियर हो गया. जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट है वो इस बात को समझ पाएंगे. इफ यू वॉन्ट टू मेक इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन वॉट यू शुड डू, you should pass to the Indian judiciary or it will become free of charge. There's nothing great in that. So my dear friend, this was from me. Have a great time. Thank you.